हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और होली की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था, उसमें कई स्टूडेंट को डाउट आ रहा था कि कैसे इसमें सेल्स होगा, परचेस क्यों नहीं होगा। तो वही मैं आज आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अशोक परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अस इन दिस ट्रांजेक्शन, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि अशोक ने परचेज किया गुड्स हमसे, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम अस लिखा है, यानी गुड्स हमसे अशोक ने परचेज किया। तो क्वेश्चन में कहना चाहिए था कि हमने गुड्स अशोक को बेचा, यानी सेल किया, सोल्ड गुड्स टू अशोक। तो ये ना लिख करके हमने लिख दिया क्वेश्चन में कि अशोक परचेज गुड्स फ्रॉम अस, तो बात तो एक ही हुई ना, चाहे हम उनको बेचे चाहे वो हमसे खरीदे, हम तो सेल ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे परचेस अकाउंट ना होकर के सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश की कोई बात नहीं हुई है, तो इसलिए अशोक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लेने वाले कौन है, अशोक, ठीक है। तो अशोक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोज देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।